हेलो इंजीनियर्स, दिस इज प्रशांति। तो आज आपके लिए है एक नया प्रोजेक्ट जो कि होगा आपके जो लाइसेंस होगा उस लाइसेंस के मदद से आसानी से अपने जो व्हीकल्स है मतलब आपके कार आपके बाइक कुछ भी आप ऑन कर सकते हैं अपने लाइसेंस के जरिए। ठीक है, तो लाइसेंस अगर नहीं होगा तो ये ऑन नहीं होगा। तो ये जो डिवाइस है ये बहुत ही बढ़िया एक डिवाइस है। तो ये डिवाइस हम लोग किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल बोम फाइल ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्डिनो नैनो हमने लगाया है, आप चाहे तो आर्डिनो ओनो से भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको मैंने बनाया है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। हम लोग आर्डिनो ओनो आर्डिनो नैनो किसी भी आर्डिनो को हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर लगाएंगे तो प्रोग्रामिंग डाल के कोई भी इसको अलग से प्रोग्रामिंग डाल के इसका लॉक खोल सकते हैं। इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे सिर्फ आर्डिनो का जो माइक्रोकंट्रोलर है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। करने के बाद हम लोग ये सर्किट बनाएंगे ताकि आसानी से कोई प्रोग्रामिंग इस पर डाल ना सके। तो यहाँ पे मैंने RFID लगाया है जो कि 522 का है मॉडल, और यहाँ पे OLED डिस्प्ले लगाया है ताकि देखने के लिए जो भी स्कैन करेंगे वो देखने के लिए, और आउटपुट पे हमने एक LED लगा दिया है। आप चाहे तो LED के बदले रिले भी लगा सकते हैं, लगा के अपने बाइक पर ये फिट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक कार्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैन कार्ड दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक कार्ड है, इसको जब भी हम लोग यहाँ पे स्कैन करेंगे तो यहाँ पे कार्ड नॉट एक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। और ये जो कार्ड आप देख रहे हैं इसको मैंने प्रोग्रामिंग किया है तो सिर्फ यही कार्ड ये एक्टिव होगा। तो ये जो कार्ड है इस पर हम लोग कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, अपने लाइसेंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी इस पर डालेंगे तो कार्ड एक्सेप्ट हो गया है और आउटपुट पे भी वोल्टेज आ गया है, मतलब हम लोगों का जो रिले है वो एक्टिव हो गया है। इस प्रकार से हम लोग इसका काम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तो आर्डिनो पे लगा दिया है, और कौन सा पिन कहाँ पे लगाया है कनेक्शन सभी आपको मेरे जो कि वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। और चलिए अभी हम लोग इसको माइक्रोकंट्रोलर पे लगा के हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो अभी चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम।
ये जो डिवाइस है ये तो कंप्लीट हो गया है, तो मैंने किस प्रकार से बनाया आपने देखा है। तो इस डिवाइस पे हम लोग लाइसेंस को हम लोग एडजस्ट करेंगे, मतलब ये जो लाइसेंस आप देख रहे हैं इस लाइसेंस को हम लोग पासवर्ड के तरह यूज करेंगे, मतलब दूसरा कोई लाइसेंस अगर इसके सामने लाएंगे तो काम नहीं करेगा, सिर्फ यही लाइसेंस काम करेगा। वो किस प्रकार से करते हैं वो आज आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसको दिखाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लाइसेंस को किस प्रकार से बनाना पड़ता है वो सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग इस पर जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग किस प्रकार से डालना पड़ता है वो आज हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं ये लाइसेंस किस प्रकार से बनते हैं। तो हम लोग अपने जो लाइसेंस है लाइसेंस को हम लोग इस प्रकार से प्रिंट आउट करेंगे, अपने जो कि पेपर पे प्रिंट आउट करके लाएंगे। लाने के बाद जो RFID का जो कार्ड रहता है जिस पर जिसके अंदर एक कॉयल रहता है और एक IC रहता है, तो उसके मदद से इस पर प्रोग्रामिंग डाला जाता है और इसका जो कोडिंग है वो प्रोग्रामिंग में डाल के हम लोग करते हैं। तो इसी कार्ड पे हम लोग यही लाइसेंस हम लोग इस तरह फिट कर देंगे प्रिंट आउट करने के बाद। तो करने के बाद ये आसानी से हो जाएगा और इस लाइसेंस को हम लोग आसानी से RFID पर स्कैन कर सकते हैं, इस तरह स्कैन हम लोग करके इसका लॉक खोल सकते हैं। तो अभी चलिए ये जो RFID का जो कोड है वो कोड हम लोग इसके मदद से किस प्रकार से कर सकते हैं, वो कोड किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, निकालने के बाद यहाँ पे डाल सकते हैं इस प्रोग्रामिंग पे, वो हम लोग सीखते हैं। पहले हम लोग RFID को लगा के Arduino पे कनेक्शन करके इसके बाद Arduino पे हम लोग प्रोग्रामिंग को अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग Arduino का जो प्रोग्रामिंग है वो ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो कि स्केच पे जाएंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाएंगे, तो वहाँ पे मैनेज लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। तो मैनेज लाइब्रेरी जब ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखना होगा MFRC522। तो ये लिखने के पर इस पर आ जाएगा। तो अभी देखिए ऊपर में आ गया है, मैंने पहले इसको इंस्टॉल कर दिया। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग फाइल पे जाएंगे, जाने के बाद एग्जांपल पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे आ जाएगा MFRC522। तो यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो डंप इन्फो पे क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखाएगा किस प्रकार से Arduino के साथ ये जो RFID को कनेक्शन करना है, ठीक है, कौन सा पिन कहाँ पे लगाना है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लगाने के बाद आप इस पर सिर्फ अपलोड कर देना है जो कि प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग अपलोड करने के बाद उसके बाद हम लोग जाएंगे जो कि सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पे हेलो आके आ जाएगा। तो अभी देखिए इसका जो प्रोग्रामिंग जब भी स्कैन करेंगे, कार्ड स्कैन करने के बाद यहाँ पे कोड आ जाएगा। तो कोड आने के बाद इसी कोड को हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम लोग प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, जाने के बाद इसी कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, करने के बाद इसी प्रोग्राम को हम लोग अपलोड करना है जो कि हमने अभी बनाया है, जो सर्किट उस सर्किट पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इस बॉक्स पे हमने फिट किया है, जो सर्किट है वो फिट कर दिया है अभी, जो आपने देखा है अभी। तो इस पर देखिए दो आउटपुट निकला है, तो इस आउटपुट पे हम लोग जो कि बाइक के जो पावर है वो लगाएंगे ताकि ऑन जब हो जाएगा तो इसमें से सिग्नल देगा, ठीक है। और इसमें से इनपुट हुआ है 12 वोल्ट। तो इस लाइसेंस पे हमने फिट कर दिया है, जो कार्ड है उस कार्ड के ऊपर लाइसेंस को प्रिंट कर दिया है। तो अभी इस पर जब भी स्कैन होगा तो ये आउटपुट पे जो कि ऑन कर देगा, मतलब इस पर आउटपुट पे आ जाएगा और जो इग्निशन है वो ऑन हो जाएगा। तो अभी इसका पावर देते हैं, तो अभी ये पावर आ गया है, तो मैं लाइट को बंद करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। तो अभी देखिए अभी स्कैन कार्ड इसमें लिखा रहा है, तो ये जो कार्ड है इसको हम लोग स्कैन करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो अभी ये एक्टिव हो गया है, तो अभी जो आउटपुट पे पावर आ गया है और आउटपुट पे हम लोग जो लगाएंगे ऑन हो जाएगा और बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी चलिए बाइक पे हम लोग इसको फिट करके देखते हैं। तो अभी इस पर फिट हो गया है और इसको अगर ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि अगर स्कैनर पे स्कैन करेगा आपका लाइसेंस तो ही ये ऑन होगा। और स्कैनर का जो आउटपुट है वो दो वायर हम लोग निकाल के जो बाइक का जो इग्निशन जो होते हैं उस वायर पे हम लोग लगा देंगे, और दो इनपुट हुआ है वो इनपुट है 12 वोल्ट इनपुट जो कि इस सर्किट को चलाएगा। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी देखिए इसको ऑन कर दिया है हमने,
तो ऑन करने के बाद कोई पावर नहीं आया, तो जब भी हमारे जो लाइसेंस है उसको स्कैन करेंगे तो ये अनलॉक हो गया है और इस पर पावर देखिए आ गया है, तो अभी हम लोग बाइक को ऑन कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक गैजेट है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे एक RFID रीडर वाला, एक लाइसेंस वाला जो कि लॉकर हम लोग बना सकते हैं। तो अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।